लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ प्रदान हुआ आचार्य इंदु प्रकाश जी, पंडित अजय मांगवी जी, आचार्य आनंद जी, आचार्य जय गोविंद शास्त्री जी, आचार्य दीपशिखा जी एवं सभी आचार्यगण, सभी विद्वानगण और पूरे भारत के कोने कोने से आए हुए पधारे सभी ज्योतिष मनीषियों का, सभी विद्वानों का, सभी भविष्य वक्ताओं का, मैं देवभूमि उत्तराखंड आने पर, पधारने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष जैसे प्राचीन ज्ञान पर चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए मैं अमर उजाला को, शुक्ला जी को, जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत उनका साधुवाद देता हूँ कि एक जो परंपरा पिछले वर्षों से शुरू हुई है उस परंपरा को निरंतर और विस्तार देने का काम हमारे शुक्ला जी ने और उनकी पूरी टीम ने यहाँ पर किया है। इसलिए मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके अंदर, उनके समाचार पर, उनके पत्र पर लगातार वो बढ़ते रहे और उनकी ऊर्जा भी बढ़ती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। उत्तराखंड में ज्योतिष शास्त्र की लंबी और गौरवशाली इतिहास रहा है और मैं अभी पूछ रहा था जब कोई मुझे ऋषिकेश के मिल रहे थे, उत्तरकाशी के मिल रहे थे, कुछ होली के मिल रहे थे, काशीपुर के मिल रहे थे, तो सब कह रहे थे कि हम यहाँ के हरिद्वार के मिल रहे थे। तो 70% लोग जो कह रहे थे कि हाँ उत्तराखंड ही है जो ज्योतिष में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये ज्योतिष की भूमि है, ये वेदों की भूमि है, ये धर्म की भूमि है, ये मोक्ष की भूमि है, ये अध्यात्म की भूमि है, ये संस्कृति की भूमि है। और सच बताऊं तो ये वेदों की भूमि है। हमारे ज्ञानी विज्ञानी और हमारे विद्वान जितने आचार्यगण हैं, जितने ज्योतिषाचार्य हैं, वो भली भांति जानते हैं। और आप सब लोग भी जो ज्योतिष के क्षेत्र में भी काम करते हैं, भविष्य वक्ता हैं, वो सब लोग अगर दिल्ली से, बंगलौर से, मुंबई से या भारतवर्ष के अनेकों शहरों से जब इस भूमि पर आते होंगे तो आपके अपने अंदर जरूर एक प्रकार का अलग सा कंपन महसूस होते हैं। उसका कारण यह है आचार्य जी, आचार्य इंदु जी, कि ये जो वेदों की भूमि है, इस वेदों की भूमि पर हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे आचार्यगणों ने, विद्वानों ने अनेकों यज्ञ किए हैं, अनेक पता नहीं लाखों करोड़ों और करोड़ों से भी आगे अरबों और उससे आगे संत और क्या होता है महासंघ, बस नहीं, जितने सारे जो है मंत्रों का उच्चारण यहाँ पर हुआ है। और जो मंत्रों की शक्ति है वो कभी समाप्त नहीं होती है। क्यों आचार्य मंडूनी जी, सही कह रहा हूं, वो मंत्र हमेशा जो है चलते रहते हैं, उनकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। तो इन्हीं भूमियों पर, इसी सब पर, यही उत्तराखंड की जो भूमि है, इसी भूमि पर जो है वो मंत्र हमको जो है कहीं ना कहीं ऊर्जा और शक्ति और प्रेरणा देने का काम करते हैं। भारत की यह महान भूमि ज्ञान कर्म उपासना के साथ साथ लौकिक और अलौकिक विचारों और रहस्यों को उजागर करने वाली भूमि है। हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों द्वारा ज्ञान एवं विज्ञान की उपासना का संदेश हमको दिया है। अभी कितना शानदार शुक्ला जी ने वो कलकत्ता का और वहाँ का जो है हम लोगों के सामने रखा, यही सही मायने में ज्योतिष है, यही सही मायने में ज्ञान है जो हमारे ऋषि थे, मुनि थे और आप वर्तमान भारत के ऋषि मुनि आप ही लोग हैं।
जो पहले ही सब कुछ बता देते हैं लोगों को सचेत कर देते हैं। भाइयों बहनों, वेदों में पूरे ब्रह्मांड का अगर रहस्य समाया है, और यह मेरा मानना है कि इस रहस्य को जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर ज्योतिष शास्त्र किसी ने जान लिया तो सारे रहस्यों को जान जाता है। कल राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में यहाँ पर जब उन्होंने उद्बोधन दिया था तो उन्होंने कहा कि ज्योतिष शास्त्र ब्रह्मांड को समझने का एक रोड मैप, उस रोड मैप के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड को समझा जा सकता है। और बिल्कुल सत्य है कि अगर किसी ने ब्रह्मांड को समझना है तो उसने भी ज्योतिष को समझना होगा। उन्होंने ठीक ही कहा था। भाई बहनों, वेद पुराण उपनिषद आदि महान ग्रंथों को हमें प्रदान करने वाले ऋषि केवल कर्मकांडी मात्र नहीं थे, बल्कि वो इस समय जैसे वैज्ञानिक होते हैं, अनुसंधान करते हैं, तमाम प्रकार की खोजें करते हैं, वह भी महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने उस समय वो खोजें करी हुई जिन्होंने मानव की भलाई के लिए नई नई वैज्ञानिक मान्यताएं उस समय स्थापित की। और इसी भारत की भूमि में जब लोग ज्ञान नहीं जानते थे, विज्ञान नहीं जानते थे, शिक्षा नहीं जानते थे, उस समय भी इसी भारत भूमि पर नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। फिर से भारत विश्वगुरु बने, फिर से भारत दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बने, फिर से भारत दुनिया को दिशा देने वाला भारत बने। उस भारत की कल्पना की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सब विद्वानों के बीच में कह सकता हूं कि भारत के एक एक व्यक्ति के अंदर, भारत के एक एक जन के अंदर एक विश्वास जगाने का काम कि वो दुनिया के हर क्षेत्र में नेतृत्व कर सकता है, पहला स्थान प्राप्त कर सकता है। यह भाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जगाने का काम किया है। थोड़ा अगर हम पिछले के कालखंड में चले जाएंगे तो हम देखेंगे कि एक समय वह भी था जब भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, वैश्विक मंचों पर अपनी बात भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता था, अपने हितों की चर्चा भी नहीं कर पाता था, कोई भारत को गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, आप देखिए खेल के क्षेत्र में देख लीजिए, ऐसा कोई मैदान नहीं है दुनिया का जिसमें आप भारत का तिरंगा न फहरा रहा हो। हर क्षेत्र में आप डिजिटल ट्रांजेक्शन की हम बात करते हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन के क्षेत्र में आज दुनिया का 40% डिजिटल ट्रांजेक्शन किसी देश में हो रहा है तो इसी भारत भूमि पर, हमारी भारत भूमि पर। मेरा मानना है कि ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा नेत्र है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकता है। यह शास्त्र भौतिक, आध्यात्मिक और दैविक विचारों का सबको मिलाने वाला, सबका समन्वय करने वाला यह शास्त्र है। हमारी जितनी भी महान उपलब्धियां रही हैं, मैंने कहा कि चाहे ज्ञान का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, शास्त्र का क्षेत्र हो, हर क्षेत्रों की जो हमारी महान उपलब्धियां रही हैं उन उपलब्धियों को दुनिया ने उपयोग किया है, उसका उपयोग किया है, और लेकिन हमको उसका श्रेय नहीं दिया है। आज भी आप देख लीजिए दुनिया के जितने देश हैं, उन देशों के जो प्रमुख रणनीतिकार, वैज्ञानिक, वहां के अर्थव्यवस्था को चलाने वाले, वो इंजीनियर, वो कोई और नहीं है, वो हमारी ही भूमि के, इसी भारत भूमि के, इसी भूमि के लोगों के द्वारा प्रसिद्ध है। अब समय आ गया है कि हम स्वयं को और स्वयं की उपलब्धियों को जानें, हम अपनी महान मान्यताओं और जो हमारी उपलब्धियां रही हैं इन उपलब्धियों पर हम गर्व करना सीखें,
कि हमको हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे विद्वानों ने हमें बहुत सारी चीज़ें विरासत में दी हैं जो आज की दुनिया में किसी के पास नहीं है। हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ ऐसे इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी समझना होगा, उसको भी समझेंगे तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों, ज्योतिष को वेद विज्ञान भी कहा गया है और वेदों की आंखें भी माना गया है। आज जो अनुसंधान के क्षेत्र में नासा है वह भी मानने लगा है कि भारत ज्योतिष विज्ञान के द्वारा बहुत सारी जो भौगोलिक घटनाएं हैं उन घटनाओं को भी समझा जा सकता है। ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि घटनाएं इसके उदाहरण हैं। और सूर्य जो है अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य पृथ्वी जो है उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। यह भी अगर किसी ने विज्ञान को देने का काम किया, दुनिया को देने का काम किया तो भारत की भूमि जीरो का आविष्कार, जीरो को की मान्यता में लाने का काम किसी ने किया तो इसी भूमि ने किया। हमारे ही वैज्ञानिकों ने किया, हमारे ऋषियों ने किया, हमारे मुनियों ने किया। आज का युग कंप्यूटर का युग है। आज वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया है कि बोलने वाले कंप्यूटर के लिए अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कोई भाषा है, सबसे उपयुक्त कोई भाषा है तो वो भाषा भी हमारी भाषा संस्कृत है। अभी जैसा आचार्य इंदु जी ने कहा कि ज्योतिष के क्षेत्र में हमको जो है आगे बढ़ना है, यहाँ पर एक बड़ा संस्थान, एक बड़ा विश्वविद्यालय उस दिशा में बने, उसके लिए हम लोग विचार करेंगे आप जैसे विद्वानों से कि हम लोग क्या काम करेंगे। हमारी सरकार ने जैसे उत्तराखंड में ज्योतिष परिषद का भी गठन किया है जिससे आने वाले समय में हमारी भावी पीढ़ी इस विज्ञान का लाभ उठाए, आगे बढ़े और जो हमारी ये संस्कृति है जो हमारे ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ती रही है, आगे हम सबको बढ़ाती रही है, तमाम आने वाली घटनाओं के प्रति हमको सचेत और उसके लिए तैयार करने का काम करती रहेगी। तो निश्चित रूप से मैं आज शुक्ला जी को, जोशी जी को, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने सारे विद्वानों को एक मंच पर लाकर जो है तमाम प्रकार की नई नई जो नई नई खोजें हैं, नए नए आविष्कार हैं, नए नए अनुसंधान हैं, उन सब पर यहाँ पर चर्चा के लिए बुलाया और मुझे भी इस कार्यक्रम में बहुत पहले से शुक्ला जी ने कहा था, लगभग एक महीना डेढ़ महीना पहले, और मुझे बड़ी खुशी हुई इतने सारे आचार्यों से, इतने सारे विद्वानों से, ज्योतिषाचार्यों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और आप सब लोग, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि ये केवल एक गणित मात्र नहीं है, मैं जितना समझता हूँ इसके पीछे बहुत बड़ी साधना होती है, बहुत बड़ी तपस्या होती है, बहुत सारे कर्म लगे होते हैं, बहुत सारा समय लगा होता है। इसलिए आप सब लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने सम्मानित करने का अवसर दिया तो मैं तो सोच रहा हूँ कि आप सब लोगों को छू लिया तो कुछ न कुछ फल भी जो है आपकी जो है ये जो तपस्या है, आप सब लोगों के जो कर्म हैं, आप सब लोगों के द्वारा जो प्रसाद किया जाता है, तमाम प्रकार के कार्य किया जाते हैं, परमार्थ किया जाता है, वो निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा, हमारे राज्य को प्राप्त होगा। और हमने जो संकल्प लिया है कि आने वाले वर्षों में ये देवभूमि उत्तराखंड हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल हो, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपेक्षा की है, उन्होंने भी कल्पना की है, और बाबा केदार के प्रांगण से उन्होंने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। तो निश्चित रूप से आप सबके आशीर्वाद से हमारे संकल्प पूर्ण होंगे। मैं इस अवसर पर सभी का धन्यवाद करते हुए आए लोगों का, विद्वान ज्योतिषियों का सानिध्य प्राप्त हुआ उनको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।